यहां पर पोस्टर लगाए हैं और दो बीजेपी नेताओं को इन पोस्टर्स के जरिए धमकाया गया है, जान से मारने की धमकी इस पोस्टर में इसका जिक्र है। इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की पुलिस को खबर मिल चुकी है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोहांडीगुड़ा थाना क्षेत्र और माडुम थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज कुछ पर्चे मिले हैं, कुछ बैनर रोड किनारे लगे हुए मिले हैं, जिनको हम लोगों ने डीआरजी की टीम के मदद से अपने कब्ज़े में ले लिया है और हम लोग पूरे इलाके में सघन जो सर्चिंग है वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन जिन गांवों के आसपास मिला है वहां से भी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, अगर किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा होगा। कुछ लीड्स हमको मिले हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जो एक्चुअल घटना हुई है किसने की उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी निकालें। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या जानकारी इस मामले में, क्या कार्रवाई अब तक हुई है, किन नेताओं को ये धमकाया गया है? जी, चित्रकूट इलाके के जो माडुम थाना और लोहंडीगुड़ा थाना है, ये दोनों थानों के बीच में माओवादियों ने एक बैनर पोस्टर फेंक कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। इस बैनर पोस्टर में कस्तूरपाल पंचायत और पारापुर पंचायत के दो जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है। उनको लिखा है कि धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों पर अत्याचार प्रताड़ना बंद करें और अपने पंचायत में जाके माफी मांगे। इस पर्चे के बाद इलाके में दहशत का आलम है, तो वहीं बस्तर पुलिस ने बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया और इलाके की सर्चिंग तेज कर दी है। चूंकि ये माडुम इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र आता है, तो ऐसे में माओवादी का मूवमेंट उस इलाके में होता है और जो बस्तर पूर्व डिवीजन कमेटी की ओर से ये पर्चा लिखा गया है, बैनर लिखा गया है, इसकी जांच बस्तर पुलिस कर रही है। साथ ही इलाके में कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये जो मामला है ये किस नक्सली की जो मौजूदगी में किया गया। फिलहाल बस्तर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।